रिश्वत लेने का वीडियो पहले वायरल होता है, उसके बाद सफाई आती है, फिर कॉन्ट्रैक्टर और उस विभाग के अधिकारी जो संबंधित रहते हैं उसका वीडियो आता है, और उसके बाद आता है बयान जनार्दन पाटिल और जन्या मामा का। इस पूरे माहौल पर कैलाश पाटिल और जनार्दन पाटिल के बयानों के आधार पर क्या कुछ है हकीकत, आइए हम आपको बताते हैं जो वसई विरार में इन दिनों चर्चा का विषय बना है। नहीं पाहिजे, एका बाजूने कैलाश पाटील आमदार हितेंद्र ठाकूरला विरोध करतो आणि एका बाजूने त्याच्या कार्यकर्त्याचं म्हणजे ग्रहण ऐकतो, तर मग आम्ही काय समजतो त्याच्या माध्यमातून रस्ता झाला आम्ही समजायचं काय? पूर्ण पाण्याने गावाच्या विरोध दिला तर नाही, शासनाचे विरोध नाही, लोकांचा विरोध आहे फक्त, गावाला काय मिळत नाही। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। आप बता दें कि विरार में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। उस वीडियो में कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश पाटिल उस गांव की सड़क जो निर्माण हो रही है उसे रोकने और ठेकेदार से रिश्वत लेने आए। उस वीडियो के आधार पर यह बात फैलती चली गई, लेकिन इस बीच में वीडियो के वायरल होते देख सीधे तौर पर अग्निसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष के तरफ से एक पत्र जारी किया गया। हालांकि उनके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है वो पत्र और उस तरह की बातें वायरल हुई, और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि निष्कलंक कैलाश पाटिल पर आरोप लगाने के लिए इस तरह के पूरे माहौल और वीडियो को तैयार किया गया। इस पूरे वीडियो पर सफाई देते हुए वहां के कॉन्ट्रैक्टर और जो अधिकारी थे वो भी सामने आए, उन्होंने भी आरोप पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना किसी का हमको फोन आया, ना कभी किसी से बात हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खाली काम की क्वालिटी के बारे में चर्चा डिपार्टमेंट से के थ्रू मेरे पास आ रही थी, उसके बगैर कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो देखी नहीं है, मैं चार पाँच दिन से आया ही नहीं हूँ, मेरी मम्मी बीमार है, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आम्हाला फक्त एकदा जयेश पाटलांकडून क्वालिटीची बाबतीत विचारणा झाली, तेवढंच एकदा दोनदा विचारलं त्यांनी, त्यांना आम्ही सांगितलं क्वालिटीप्रमाणे काम करणार म्हणून। नाही नाही, आमचं आता काही इन्स्ट्रक्शन आहे ते आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला देतो, लोकांशी काय तसं समजतं, आणि काय प्रकार झाला आहे तो आम्हाला माहीत पण नव्हतं इथे आल्यानंतर समजतो। इनकी आवाज और इनकी बात के हिसाब से तो ये साफ स्पष्ट हो गया कि रिश्वत इनसे नहीं मांगा गया, लेकिन इस बीच में ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए थे वो भी सुनिए। मला निधी उपलब्ध करून गावात रस्ता मंजूर करून आणि काम चालू करण्यात आलं, तर एक महिना झालं काम चालू व्यवस्थित होतं, पण गावातला माजी उपसरपंच प्रफुल्ल भोईर हा कैलाश पाटील अग्निसेनेचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष यांना चुकीची माहिती देत होता की फॉरेची झाडं तोडल्यात, काम चुकीचं आहे, दगड चुकीचा वापरतात, त्यानुसार कैलाश पाटील आणि जयेश पाटील हे मेडिटाईमच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देऊन काम बंद ठेवण्यात आलं होतं, परंतु आम्ही गावकऱ्यांनी मीटिंग परत ठेवली, मेडिटाईमच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं की तुम्ही कुठलाही कोणाचा ऐकायचं नाही, राजकीय लोकांचं काम व्यवस्थित चालू आहे, गावकऱ्यांची म्हणणं आहे, आणि जर हा रस्ता वापस गेला तर आम्हाला रेल्वेवाले जाऊन देणार नाही, म्हणून रस्त्याचं काम चालू असताना रविवारी दुपारी 3 वाजता कैलाश पाटील आणि जयेश पाटील येऊन आमच्यावर दादागिरी करायला लागले की तुम्ही विराला येऊन दाखवा, तुम्हाला बघून देतो। जयेश पाटील को मेरा एक ही बोलना आहे की इधर महिला जे है वो क्या ड्रिंक करके आए थे क्या, गाववाले का एक ही मानना आहे की ये रस्ता होना चाहिए। लगातार ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जनार्दन पाटील को लगा कि आगरी सेना का नाम खराब हो रहा है, जिसे बचाना बहुत जरूरी है। वे आनंद फानंद में पत्रकारों के साथ पहुंच गए वैतरणा गांव और लोगों से बातचीत की, उनकी बात जानी, और कॉन्ट्रैक्टर और उस अधिकारी की बाइट आने के बाद उन्होंने ग्रामीणों को भी समझाया और ग्रामीणों से इस तरह के व्यवहार के लिए जो उन्हें गलत लगा उसके लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाँव की सड़क बनना ये बहुत ज़रूरी है, और चूँकि सड़क महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैतरणा गाँव की हालत सड़कों के लिए लंबे समय से खराब मानी जा रही है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद का सड़क का निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से सही मानकों का प्रयोग करते हुए सड़क बननी चाहिए। जनार्दन पाटिल ने वहीं पर जनता से बात की, ग्रामीणों से बात करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। ग्रामीणों ने कुछ जो कुछ कहा आपने सुना, लेकिन सुनिए कि आखिर जनार्दन पाटिल ने क्या कुछ कहा। देखिए, वो वीडियो परसों के दिन का था, संडे के दिन का शायद, और इसी के लिए गाँव वाले ने मुझे बुलाया यहाँ कि ये बात हो गया, रोड का प्रॉब्लम है, और ये बहुजन विकास आघाड़ी का एक कोई उपसरपंच है राजू प्रफुल्ल भोईर, वो जाके कहीं शायद कैलाश पाटिल को
उल्टा सुल्टा बात करता था, गाँव वाले का कहना है। तो मेरी एक जिम्मेदारी, कैलाश पाटिल की भी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में आके एक बार गांव वाले को मीटिंग लेना चाहिए था, सबको विश्वास में लेना चाहिए था और बात करना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है अपना, तो ये बात नहीं पड़ती थी। अभी परसों के दिन से अग्रसेना का नाम खराब हो रहा है, अग्रसेना के नाम से लोग चिल्ला रहे थे, इसके लिए मुझे गाँव वाले ने बुलाया और मैं खुद यहाँ आया हूँ कि हकीकत क्या है और गाँव वाले को साथ में लेके बात किया हूँ। रोड तो कोई रुका नहीं सकता है, रहा सवाल खंडी का बात आ रहा था तो आज उनके इंजीनियर ने और कॉन्ट्रेक्टर ने बाइट दिया, उसमें साफ सुथरा बताया कि कोई खंडनी कोई नहीं, किसी ने नहीं मांगा, तो ये बात क्लियर हो गया। और इंजीनियर ने ये भी बोला है कि गांव जो रोड है वो बराबर जो इस्टीमेट है वही हिसाब से काम हो रहा है, तो फिर झगड़े का बात ही नहीं था। उनको वो प्रफुल्ल जाके बोला कि काम बराबर नहीं हो रहा और इंजीनियर बोल रहा है कि काम बराबर है, तो फिर झगड़े का बात नहीं था। कैलाश पाटिल का भी थोड़ा गलती हो गया, उन्होंने भी आके गांव वाले को विश्वास में लेना चाहिए था, सबको लेके बैठा के बात करना चाहिए था, आके वहाँ बाहर से झगड़ा ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं खुद आया हूँ और गांव वाले को मैं बोला हूँ अग्रसेना के माध्यम से, मैं सॉरी बोलता हूँ अगर हमारे लोगों का गलती हुआ है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और गाँव का काम होना मांगता है, हम लोग गाँव के साथ में हैं। और लोगों को कुछ धमकाया था कि तुम विरार आके दिखाओ, तो विरार किसी का बाप का नहीं है, मैं गाँव वाले को बोल रहा हूँ, मेरा ऑफिस है विरार में, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे 10-20 लोग हमेशा ऑफिस में रहते हैं, आप आके बताओ। और प्रफुल्ल भोईर ये बहुजन विकास आघाड़ी का उपसरपंच है, तो प्रफुल्ल भोईर को और आमदार हितेंद्र ठाकुर को मेरा ये कहना है कि उनके 3-3 आमदार है, कैलाश पाटिल कोई आमदार नहीं है, तो उनके पास क्यों नहीं ये कंप्लेंट लेके गए? एक तरफ कैलाश पाटिल हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ बोलता है, एक तरफ देख रहे तो प्रफुल्ल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये कोई राजनीति मेरे समझ में नहीं आ रही, तो गलत है ये। गाँव वाले का काम होना मांगता है, गाँव वाले को साथ में लेके अपन काम करना चाहिए और हम लोग उनके साथ में है, गाँव वाले के काम रुकाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस पूरे बीच में जनार्दन पाटिल के बयान सुनने के बाद में एक बात तो साफ है कि जनता के बीच में अपने विश्वास को स्थापित रखना, आगरी सेना का विश्वास जनता में बनाए रखना और विकास के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो क्या है उसे समझाने में वे कामयाब नजर आए। लेकिन इस बीच में ग्रामीणों का एक बयान और चौंकाने वाला सामने आया। ग्रामीणों ने कहा कि उन पर उन्हें धमकी दी गई कि वैतरणा गांव के लोग विरार आकर दिखाएं। इस तरह का आरोप जो ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया, जरा वो भी सुनिए। गावकऱ्यांना शिव्या द्यायला लागले आणि शिव्या देऊन बोलतात की तुम्हाला विरारले उन दाखवा, हे चुकीचं आहे आणि यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे आणि आमच्या गावावर जो अन्याय करील त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे। तुम्हाला इकडे राजकारण नको आहे, फक्त ते आमचा तो रविवारी आलेला ना कैलास पाटील आणि जयेश पाटील तो आम्हाला शिवीकाल मारले ना, तेवढंच आमचं म्हणणं आहे, दुसरा आम्हाला कोणता विषय नाही, बस तेवढंच आहे। बोल रहा है विरार में नहीं आने का, तो विरार किसके बाप का है? हम लोग किधर से आए? विरार से आए ना, 30 साल हो जाएंगे मेरी शादी को इस गांव में आके। इस पूरे माहौल के बीच में इस तरह के आरोप ये गंभीर है। निश्चित रूप से किसी भी गाँव के व्यक्ति को इस तरह की धमकी नहीं देनी चाहिए। गाँव में हो रहे विकास काम मानकों के हिसाब से होने चाहिए। जनार्दन पाटिल की तरफ से जो आगरी सेना की छवि ठीक करने के लिए प्रयत्न किया गया वो सराहनीय है। कैलाश पाटिल पर लगे आरोप निष्कलंक हैं, ऐसा आरोप जो लगा था उसे कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पूरे बीच में ग्रामीणों को जो धमकी दी गई उस पर अभी तक कैलाश पाटिल या कैलाश पाटिल के समर्थकों की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस तरह के संपूर्ण वाक्यांश और इस पूरे के वारदात में जनता के बीच में गलत संदेश जाता है। धमकी देना, रिश्वत लेने के आरोप लगाना और इस तरह का माहौल पैदा होना, ये निश्चित रूप से समाज के लिए ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे माहौल के बीच में क्या कुछ निकल कर आता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, फिरार।